भारत कोविड-19 संक्रमणों की एक और सुनामी से जूझ रहा है। आंकड़ों के अनुसार देश में बढ़ रहे मामलों को संक्रमण की दूसरी लहर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले साल संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले 16 सितंबर 2020 को आए थे। उस दिन कुल 97,894 मामले सामने आए थे। इस साल 7 अप्रैल को एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 1,26,789 तक पहुंच गया। इसी तरह हमें दैनिक मौतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 7 अप्रैल को यह आंकड़ा 685 पर पहुंच गया। टीकाकरण अभियान के बावजूद इन आंकड़ों से यह साफ है कि यह हम महामारी के अंत से काफी दूर है। आइए देखते हैं भारत ने कोविड की लड़ाई में कहां-कहां चूक की। सबसे पहले केंद्र और राज्यों के बीच संबंध एक समस्या का कारण बना हुआ है। मोदी सरकार ने महामारी से लड़ने का सारा बोझ राज्य सरकार के कंधों पर डाल दिया है। कानूनी तौर पर सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था का जिम्मा राज्य सरकारों का होता है, लेकिन फंड और प्रशिक्षण और टीकों के लिए वे केंद्र सरकार पर निर्भर है। महाराष्ट्र और पंजाब इसी केंद्र और राज्यों के बीच खराब तालमेल का सबसे सटीक उदाहरण है। 8 अप्रैल 2021 तक महाराष्ट्र में एक्टिव मामलों की संख्या 5,22,762 थी, जो राष्ट्रीय स्तर से 50% से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर उस दिन 9,10,319 मामले सामने आए थे। उसी दिन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह घोषणा की थी कि राज्य में टीकों की कमी हो रही है और राज्य में सिर्फ 3 दिन का ही टीकों का स्टॉक बचा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य को हर हफ्ते 40 लाख डोज की जरूरत होती है, पर उन्हें सिर्फ 7.5 लाख डोज ही दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि भले ही महाराष्ट्र की आबादी गुजरात से दोगुनी है, लेकिन फिर भी उनके राज्य को गुजरात बराबर टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी बीच पंजाब में राज्य द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि इस बार वायरस से संक्रमित होने वाले 31% लोग अब 30 वर्ष या उससे कम उम्र के थे। हालांकि केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस उम्र के प्रतिबंध को हटाने के लिए आग्रह किया है। इन चिंताओं को दूर करने के बजाय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कांग्रेस और विपक्ष पर इस मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी कोविड की स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठकें कर रहे हैं। ऐसी पहली मीटिंग का आयोजन 20 मार्च 2020 को किया गया था, जहां राज्यों को न तो आने वाले लॉकडाउन की जानकारी दी गई थी, न ही उस पर आने वाली जनता की प्रतिक्रिया से निपटने के लिए जरूरी कदम के बारे में बताया गया था। इसका नतीजा यही हुआ था कि देश भर में प्रवासी मजदूरों को संकट देखने को मिला, जहां लाखों लोग अपने परिवार सहित कई राज्यों की सीमाओं पर पार करने अपने घर लौटने लगे थे। यही तालमेल में कमी हमारी आबादी को सुरक्षित करने में रोड़ा बनी हुई है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि केंद्र की ओर से लोगों की सहायता के लिए दी जाने वाली धनराशि में कमी। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान लोगों में थोड़ा अनाज बांटा गया था और जिन महिलाओं के पास जनधन खाते थे उनके खातों में 1,500 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। जिन लोगों ने अपनी आजीविका और नौकरी खो दी उनके लिए यह सहायता अपने परिवार का भरण पोषण करने और इलाज खर्चा उठाने के लिए नाकाफी है। केंद्र को राज्य सरकार के साथ तालमेल बिठा के हाथ से हाथ मिलाकर चलना होगा। इसके अलावा उसे गरीबों के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना पड़ेगा, नहीं तो यह महामारी भारत के कामगार वर्गों की परेशानियों को और तेजी से बढ़ा देगी। Thank you.